सभी का स्वागत है बिकिस ब्लॉग चैनल पर। तो आज कुछ ऐसा कंटेंट लेके आया है, इतना मतलब हम दोनों का सक्सेसफुल किस तरह से हम लोग का मैरिज कंप्लीट किए हैं, तो उसी के बारे में कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो मतलब हम लोग का मुलाकात किस तरह से हुआ है, किस तरह से हम लोग मिले हैं, किस तरह से एक्चुअली मैं पहले बता रहा हूँ कि हम दोनों का लव मैरिज हुआ है। और I'm lucky to say that she is my wife today and she is very supportive and today's the reason behind today I've opened a channel only because of her. She is the only person. So सभी को आप सभी को पता है कि लेडीज फर्स्ट, तो किस तरह से हमारा मुलाकात हुआ है तो वो चीज़ मेरे वाइफ ही शेयर करेंगे। पहले शुरुआत मेरे वाइफ ही करेंगे, तो प्लीज़ व्यूअर्स को बताओ किस तरह से। एक्चुअली हम लोग का फर्स्ट तो कॉलेज में ही मतलब हम लोगों का पहले फ्रेंड्स हम लोग थे, फ्रेंड्स नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोगों का फ्रेंडशिप नहीं था, वो अलग मतलब अलग सिचुएशन में रहते थे, मैं अलग सिचुएशन में रहती थी, मतलब मेरे फ्रेंड्स अलग थे, इनके फ्रेंड्स अलग थे। और मतलब ऐसा हुआ था सिचुएशन कि हम लोगों ने पहले तो जब इसके साथ मतलब मेरा मुलाकात हुआ कॉलेज में, तो इंसिडेंट हुआ था एक कि हम लोगों ने फर्स्ट जब इसके साथ मुलाकात हुआ तो ये कॉलेज के पीछे बैठे हुए थे और मैं भी बैठी हुई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद वो पहले कॉलेज में सभी करते हैं ऐसे, तो उन्होंने कुछ खाया हुआ था तो वो जब फेंक रहे थे मुंह से, अपने मुंह से फेंक रहे थे तो वो मेरे ड्रेस पर फेंक दी। तो मैंने उनको अभी भी याद है ऐसा? हाँ, क्यों याद नहीं रहेगा। फिर वो मैंने कहा कि देख के नहीं चल सकते हो, उन्होंने कहा चल चल अपना रास्ता देख, ऐसे ऐसे ही कहा था पहले उन्होंने। उसके बाद तो मैंने मतलब फिर हम लोगों का मतलब चेंज हो गया, लाइफ चेंज हो गया, वो चले गए दूसरे कॉलेज में चले गए और मैं उसी कॉलेज में अपना हायर स्टडीज कंप्लीट करने लगी। फिर इतने सालों के बाद फिर हम लोगों का फेसबुक से फिर कनेक्शन हुआ। फिर मैंने पहले तो इन्हें नहीं पहचाना कि इन्होंने वही बिकी बोनिक है जो क्लास में थे, हमारे क्लास में थे। तो फिर पता चला अभी कि हाँ कि ये वही है, फिर फोटो देख के भी पता नहीं चलता यार कि ये लोग चेंज हो जाते हैं, समय के साथ सब कुछ चेंज बदल जाते हैं। हाँ। तो मुझे भी एक्चुअली इतना पता नहीं था कि वो लड़की, मुझे शादी के बाद ही पता चला कि वो लड़की वही लड़की है जो मुझे कॉलेज लाइफ थे। हाँ, मुझे इतना भी याद नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने देखा है, लेकिन उन्होंने जब मुझे बोला था ऐसा चीजें मुझसे शेयर किए हैं उसके बाद ही मुझे पता चला। बोलो। फिर तो अभी फिर शादी से एक साल पहले, एक साल ही था शादी से एक साल पहले, जैसे एक साल मतलब पहले नवंबर 9 को इन्होंने, नहीं उनसे उससे पहले अक्टूबर लास्ट इन्होंने मुझे कहा कि मुझे पसंद करते हैं। तो पहले तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया था, फिर इन्होंने फिर मुझे कहा कि ये मुझसे शादी करना चाहते हैं। तो फिर मैंने अपने घर वालों को बताई ये बात, फिर उन्होंने बोला कि जो लड़का, अगर लड़का अच्छा है तो देखो क्या होता है। तो फिर मैंने इनके साथ बात करना स्टार्ट किया, ऐसे ही हम लोग का मतलब फिर से कनेक्शन हुआ। और फिर नवंबर 9 को ये अपने फैमिली के साथ मुझे देखने आए, उसके बाद ही सब कुछ स्टार्ट हुआ हम लोग के बीच में। फिर मैंने, क्योंकि एक बात आप सभी को पता है कि शुभ काम में कभी देरी नहीं करना चाहिए, और मैंने इसीलिए मैंने उनको शादी का प्रपोजल इसलिए दिया है क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ उनके स्वभाव, उनका परिचय, उनका बिहेवियर के वजह से ही मैंने उनको पसंद किए हैं, क्योंकि उनका जो मन है वो बहुत ही अनमोल है। तो सिर्फ मुझे ही पता है क्योंकि वो बहुत ही सपोर्टिव है, जो कि आज तक टिल डेट अभी भी मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। और मैं यही प्रे करता हूँ कि इस दुनिया में हर कपल एक दूसरे के ऊपर सपोर्ट करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ट्रस्ट। सबसे बड़ा बात होता है कि विश्वास,
क्योंकि विश्वास ही एक ऐसा चीज होता है जिससे पूरा संसार को बांध के रखते हैं। वो विश्वास अगर एक बार टूट जाए तो सारा संसार टूट जाता है। तो मैं ये प्रार्थना मैं प्रे विश करूंगा आप सभी के लिए कि आप सभी का रिलेशन अच्छा रहे, बरकरार रहे, खुशहाली रहे, सबके जिंदगी में खुशी आए, यही मैं विश करूंगा। और फिर तो मैं फिर फरवरी तक इनके साथ ही रही हूँ, मतलब आना जाना, फिर बात करना, मिलना, ये सब करती रही। फिर उसके बाद बेंगलोर में मेरी बहन है, वहाँ पे वो जॉब करती है, वहाँ पे मम्मी और मैं फिर जनवरी में फरवरी 19 को हम लोग वहाँ चले गए। फिर वहाँ पे मैंने 5 मंथ्स अपना वहाँ पे ही स्पेंड किया अपने बहन के साथ। वहाँ पे हम लोग का फिर शादी यहाँ से तय हुआ, फिर फिक्स हो गया सब कुछ। फिर वहाँ से जब मैं लौटी, यहाँ पे जब आके पहुँची, उसके 14 दिन बाद ही हमारी शादी थी। फिर मतलब जुलाई 1 तारीख को हमारी शादी थी। फिर वो उस ऐसे ही प्रोसेस चलता गया। फिर घर में शादी का प्रिपरेशन सब कुछ चलता रहा, सब कुछ होता रहा। फिर हम लोग के शादी में और एक यूनिक बात भी है कि हम दोनों के दोनों सिस्टर का शादी एक ही साथ है, मतलब मेरे सिस्टर का भी शादी और मेरा शादी भी एक ही साथ है, एक ही साथ हुआ है दोनों की शादी। तो इसीलिए मतलब थोड़ा मम्मी को भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर इन्होंने भी मुझे समझाया कि हाँ बहन इतना कुछ कर रही है, तुम भी कर रही हो, मम्मी तो थोड़ा अपसेट होगी ही। तो फिर हम दोनों ने भी फिर सोचा कि हाँ मम्मी अभी तो है, फिर हम दोनों ही देखेंगे, क्योंकि हमारे भाई नहीं है, मेरी बहन और मैं दो ही बहन हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। तो इसलिए फिर सब कुछ का जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर ही आ जाता है। फिर हम दोनों ने सब कुछ किया, बहन मैं अगर सब कुछ के लिए बोलूँ तो मेरे बहन को थैंकफुल हूँ मैं बहुत कि उसने ही सब कुछ किया था मेरे लिए, मेरे सब प्रिपरेशंस के लिए उसने ही सब कुछ तय किया है, उसने ही हमारे लिए सब कुछ किया। बाद में शादी भी उसने ही कराई है, झूठ नहीं बोलूँगी मैं। और फिर वो दिन आ गया जब हम लोगों ने जुलाई 1 को एक साथ शादी के बंधन में बन गए। एक बात सभी को पता है कि एक बात बोला जाता है ना कि गर्ल्स आर टेंशन नहीं होता है, गर्ल्स आर रिलेटेड टू 10 सन, जैसे कि 10 लड़कों के बराबर एक लड़की होते हैं। वो का बहन वो इस चीज़ मैंने खुद अपने जीते जाते जागते आँखों से देखा है कि लड़कियाँ कभी लड़कियों को कभी भी कम मत समझिएगा, क्योंकि वो लोग भी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत प्यार भी करते हैं, सब कुछ मतलब मैं इसे शेयर करती हूँ। और ये मुझे मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि शादी के बाद पहले मम्मी पापा, फिर शादी के बाद हस्बैंड, अब हस्बैंड हस्बैंड के मतलब जगह पर तो ये आ गए हैं। तो ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और जो भी मुझे पसंद हो वो लाके देते हैं मुझे। और क्या बोलो, जितना बोलो उतना ही कम है। बहुत सपोर्ट, देखिए मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे सपोर्ट भी बहुत करते हैं। हर हस्बैंड को ऐसा ही जिम्मेदारी होना चाहिए क्योंकि मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है लेकिन लव भी तो है ना, प्यार तो रहेगा ही ना। प्यार बिना प्यार के कभी जिंदगी होता है बोलो? नहीं। तो दोस्तों आज हम लोग के बारे में मतलब हम लोग का लव स्टोरी, किस तरह से मुलाकात हुआ है, किस तरह से हम लोग का शादी कंप्लीट किया है, क्योंकि उस समय में पूरा कोविड का रूल्स एंड रेगुलेशन इतना स्ट्रिक्ट था, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम से हम लोग मतलब हम दोनों के शादी उसके बाद एकदम सिंपल वे में हम सिंपल वे में किए थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा से मैनेजमेंट हुआ था, कंप्लीट बहुत अच्छा से कंप्लीट किए पाए थे। और साथ में उनका जैसे कि मेरे वाइफ ने बोले हैं,
उनका बहन का भी एक ही साथ एक ही दिन में एक ही जगह पे शादी हुआ था। तो भाई आज इस सब सारी चीज़ें आप लोगों से इसलिए शेयर की है क्योंकि मुझे खुशी होता है जब कुछ चीज़ें मैं अपने परिवार से कुछ शेयर कर पाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना आज एक इसी तरह के आप हमारा लाइफ के पीछे किस तरह से हम लोग मिले हैं तो वही चीज़ आप लोग के सामने प्रेजेंट किए हैं। तो मुझे आशा है कि मुझे आई होप पीपल विल लाइक दिस कंसेप्ट। सो दिस इज़ वेरी हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी दैट आई एम लकी एनफ टू शेयर विथ यू ऑल पीपल। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस एंड फॉर फ्यूचर अपडेट्स प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। कमेंट में हमें बताइएगा कि हम लोगों ने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं। देखिए हम लोगों को पता नहीं है, अभी हम लोगों ने नया नया स्टार्ट किया है तो इतना पता नहीं होता है ना हम लोगों को, तो आप लोग हम लोगों को सही करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या गलती किया। और हाँ देखिए आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि देखिए अगर सब्सक्राइब करने नहीं करेंगे तो मुझे जो मतलब मोटिवेट नहीं होगा मुझे मैं आगे कुछ कर पाऊँ। प्लीज मुझे सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और जितना हो सके हमें बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। व्यूज आप लोगों का जानना है हमें, आप लोगों के थॉट्स जानने हैं कि हम लोगों ने अच्छा किया है या कोई मिस्टेक होता है तो वो भी चीज हम लोग को सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तभी हम लोग उसे ठीक कर पाएंगे। और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे मैं कंटेंट लेके आऊंगा, जैसे कि फूड ब्लॉग हो, ट्रेवल ब्लॉग हो, किसी तरह का कंसेप्ट में लेके आ सकता हूं। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग आप लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। चलिए स्वस्थ रहिए, खुशियां बांटिए और अपने परिवार के साथ समय दीजिए क्योंकि जितना भी आप काम पे बिजी रहे या ना रहे काम कीजिए लेकिन हाँ परिवार के साथ समय हमेशा दीजिएगा क्योंकि एक साथ इकट्ठे होने ही बड़ी बात होते है। चलिए व्यूअर्स बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी तरह बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए बाय 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 बाय।